हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल रास्तेदारी। और इस बार रास्तेदारी आई है जिब्बी, एक बहुत ही बेहद ही खूबसूरत शहर जो कि है हिमाचल प्रदेश में। दिल्ली से जिब्बी आने के लिए काफी तरीके हैं। अगर आपके पास कार है तो आप कार से ड्राइव करके आ सकते हैं। दिल्ली से लगभग 500 किलोमीटर दूर है जिब्बी। और अगर आप बस से आ रहे हैं तो आपको मजनू का टीला से जाके बस लेनी पड़ेगी। और बस उतारती है ओट, एक छोटा सा गांव है जो कि भुंतर से थोड़ा सा पहले पड़ता है। वहां से आपको जिब्बी के लिए लोकल बसेस मिलेंगी। और अगर आप बाई एयर आना चाहते हैं तो भुंतर एयरपोर्ट सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट है, और आप चंडीगढ़ एयरपोर्ट भी आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि सबसे नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है वो है शिमला। फाइनली मंजू ने बताई थी हम कहाँ पे हैं, हमारे जिब्बी। जिब्बी में हम जा तो रहे हैं घूमने, बट हमेशा मेरे साथ एक प्रॉब्लम रहती है, एक रात पहले आऊँगा मैं और मैं हो जाऊँगा लेट, और लेट हो जाऊँगा तो अगले दिन मैं घूम ही नहीं पाता। अभी बज रहे हैं 3 और मैं रुका हुआ हूँ यहाँ पे, किसी होटल में नहीं रुका, मैं रुका हूँ एक कॉटेज में, वो है ये। और मैं इस पर नया एक्सपीरियंस लेके आया हूँ, वो है मेरा स्टे जहाँ मैं रुका हुआ हूँ। और मैं जब आपको अंदर से इसको दिखाऊँगा, जैसे जो मेरी वीडियो थी जो मैंने कसौली में शूट करी थी अपने रिजॉर्ट की, उससे अच्छा स्टे मैं आपको दिखाऊंगा, उससे सस्ता आपको स्टे दिखाऊंगा। वो मेरे एक नेक्स्ट व्लॉग में आएगा, वो अलग से बनाऊंगा स्टे के लिए। तो स्टे के लिए स्टे विद रास्तेदारी। तो अब आज हमने डिसाइड किया है, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, लोकेश आते ही पसर गया था, सो गया उसने अपनी नींद पूरी की पहले, ठीक है। अब वो ऑब्वियसली इतना लंबा ड्राइव करके आया है तो हमने उसे सोने दिया, बाकी टाइम तो उसको चद्दर से खदाड़ के नीचे फेंक देते। तो अब क्या हो गया, वो सो गया, थोड़ा सा हमने भी रेस्ट किया, हम तैयार हुए, लड़कियां ऑब्वियसली हमें तैयार होने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो हम तैयार होकर अभी 3 बजे निकले हैं। तो हम आज क्या विज़िट कर सकते हैं, हम लोकल जो साइट सींग है वही कर सकते हैं जिब्बी की। तो सबसे पहले हम जाएंगे जिब्बी वाटरफॉल, और फिर उसके बाद जाएंगे मिनी थाईलैंड। तो उससे पहले पेट पूजा बहुत ज़रूरी है, तो हम उससे पहले कि हम वहाँ जाएँ, उससे पहले हम खाएंगे कुछ मैगी, कुछ ऑमलेट और बढ़िया से मोमो। तो आप भी खाइए, हमें भी खाने दीजिए। अभी तक सोच रहे हो ना मिनी थाईलैंड? जी हाँ, मंजू ने एकदम सही बोला है, इंडिया में है मिनी थाईलैंड जो कि जिब्बी में है। जाएंगे, देखते हैं कि वो मसाज हो पाएगी कि नहीं। चार मिनट हुए नहीं है बैठे, इसको फोन पे लग गया। मेरे को तो ऐसा लगता है अभी इसे मंदिर में भी ले जाओ ना, तो वहाँ जाके है ना ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नहीं बोलेगा, मोशी मोशी मोगाते मोशी मोशी यामामोतो सान। तुझे पता नहीं है मैं क्या करता हूँ, प्राइवेट नौकरी, ये जो है ना ये कभी भी, आज क्या है वीकली स्टेटस रिपोर्ट शेयर करने का दिन है और मैं छुट्टी पे हूँ, तो सॉरी तो बोलना पड़ेगा। सॉरी। तो अभी यहाँ पे मैगी बन रही है और यहाँ पे भूखों की तरह इंतजार हो रहा है भोगा नंबर 2, और इनका काम चालू लगा पड़ा है, रखने का नाम नहीं है। देखो पंचायत कहीं ख़त्म ना हो इसकी। फाइनली मोमोज आर हियर, वाओ वाओ। तो अब ये मोमोज आ गए हैं, हम मोमोज खाएंगी और चाय का भी इंतज़ाम है यहाँ पे। मौसम देखोगे, मौसम थोड़ा ठंडा होने लग रहा है, मैंकी को बहुत भूख लग रही है, तो हम फ़ोन रखते हैं, सॉरी वीडियो रखते हैं और खाना खाते हैं। पहुँच गए जिब्बी वाटरफॉल। तो पहले तो मुझे बहुत डर लग रहा था खाना खाते टाइम, मैंने भैया से पूछा कि भाई ट्रैक व्रैक तो नहीं है इसमें, तो उसने मेरे को बता दिया है भैया है ट्रैक 100 मीटर का, वो तो मैं कर लूँगा।
तो पर आप जब भी वाटरफॉल आते हो तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पे हैंडमेड बनी हुई हैं, जैसे कैप है, वुलन के सारे आइटम हैं, आप यहाँ पे आके ले सकते हैं, सॉक्स है, कैप है, और ये मोज़े वोज़े बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप यहाँ पे आके ले सकते हैं इनको बहुत ईजीली और बहुत अफोर्डेबल प्राइस में, बहुत मस्त है, ले लेना आके। तो यहाँ अगर अंदर जाना पड़ता है तो आपको पता है हर जगह जाने की एंट्री फ़ी होती है, फ्री में कुछ नहीं मिलता दुनिया में। तो यहाँ पे भी टिकट की एंट्री फ़ी है जो कि है 20 रुपये पर पर्सन, तो 60 रुपये लगेंगे 3 लोगों के और 4 लोगों के 80 रुपये, पर इस बार 60 लगेंगे क्योंकि 3 ही लोग आए हैं। इसको चलो जिब्बी वाटरफॉल, यहाँ पे वाटरफॉल का मतलब है पानी गिरता हुआ दिखेगा हमें, और जिब्बी इसलिए रखा गया इसके जगह का नाम वाटरफॉल का क्योंकि जिब्बी में आता है। कॉमन सेंस। तो रास्तेदारो, अभी हम बहुत अच्छे ट्रिप पे आए हैं, तो क्यों ना इसे थोड़ा एजुकेशनल बनाया जाए। आप सबके लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमें बताया जाए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि इसके दिल में छेद क्यों है। इतनी सुंदर जगह पे इसके दिल में छेद लेके क्या कर रहा है, बताइएगा जरूर। बड़ी ठंडी हो रही है, आते समय इतनी धूप थी कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि शाम तक इतनी ठंडी हो जाएगी, तो मैंने एक से सिंगल स्वेटर पहना हुआ है स्टाइल मारने के लिए, और अभी ठंडी लग रही है। तो मैंने लोकेश से बोला कि वापस चल के होटल में एक स्वेटर ले ले क्या, कहता चुपचाप ऐसे ही चल। तो अब ऐसे ही चल रही हूँ, क्या पता चलने से गर्मी आ जाए। तो अब हम चल रहे हैं, ये ट्रैक ऐसा नहीं है, चढ़ाई वाला नहीं है, सीधा सीधा ट्रैक है, सिर्फ 100 मीटर आपको ट्रैक करना है और आपको मिलेगा वाटरफॉल का बढ़िया सा नज़ारा। लोकेश को इसी में थकान होने लग गई, क्या जिम ज्वाइन करेगा रे तू? 100 मीटर खत्म करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद फाइनली मैं आपको एक झलक दिखाऊंगा जो कि है वाटरफॉल की। यहाँ पे जब मैं आया पहली बार तो मुझे एक एहसास हुआ एक चीज़ का कि लोग यहाँ आते हैं, बैठते हैं, गंदगी फैलाते हैं, तो ना जो नेचर की ब्यूटी है वो खराब हो रही है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 100 मीटर ट्रैक करने के बाद आपको सुंदर वाटरफॉल देखने की उम्मीद है, तो देखो। टूटे मक्का, इससे आपको क्या सीख मिली? 100 मीटर मेहनत करने के लिए इतना ही वाटरफॉल मिलेगा, ज्यादा पानी चाहिए तो आपको ज्यादा ट्रैक करना पड़ेगा, वो हम करेंगे कल। उठा के बाल्टी मारे का सब। टूटे मक्का, टूटे मक्का, एक बार ही जो गिर गए, तो हमने इतने अच्छे अच्छे वाटरफॉल देखे तो ये हमें बिलो एवरेज लग रहा है। वैसे अच्छा है कि आप यहाँ बैठ के आराम से पानी के सामने अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो, बट क्या है ना कि हमने अच्छी चीज़ें देखने की आदत है, ये भी अच्छा है। नेचर इज़ ऑलवेज गुड, नेचर इज़ ऑलवेज ब्यूटीफुल, पर इससे भी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल हमने वाटरफॉल देखे हुए हैं, तो अब क्या कर सकते हैं, क्या करें, चलो आए हैं तो पानी में हाथ धो लेंगे। अरे भैया हाइट भी नहीं जा रही। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। क्या करना पड़ता है बच्चों को लेकर क्यों आया रे? हाथ दिलाने पड़ते बच्चों के।
हमें यहाँ पे आए हुए हो गए 5 मिनट और आज तक का इतिहास है शॉर्टेस्ट टाइम किसी जगह पे हम जो बिताएंगे वो आज बिताएंगे 5 मिनट। लेट्स गो दूसरी जगह। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। मैं हूँ निमासान गर्ल 21st सेंचुरी गर्ल निमा इज नंबर 1 स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन तू नीच रहा है स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन तू नीच रहा है मेरे दिल का चैन देख के तेरे करता है रे सुल्तान कर दे चढ़ाई। एक इंसान हमेशा दूसरों की गलती से सीखता है, अपनी गलती से नहीं सीखता क्योंकि उसको लगता है मैं कभी गलती करता ही नहीं हूँ। बट आप लोग मेरी गलती से सीखें, दूसरा हूँ मैं, मेरी गलती से सीखें और आप जब भी आएँ और आपका टाइम कम हो तो ये वाटरफॉल ना आए क्योंकि समय बचाएं दूसरी जगह जाएं। ये किसका बच्चा छूट गया है यहाँ पे? देखो इन्हें ये है ओस की बूंदे। मेरे चेहरे पे जो स्माइल है उसका एक ही रीजन है क्योंकि मैं आया हूँ मिनी थाईलैंड। तो मतलब इसकी पहचान क्या है यहाँ पे आप आओगे? अभी जो हमने वाटरफॉल देखा मतलब आप नाव हो चलेगा पर वहीं से रास्ता आएगा एक और ये बोर्ड आपको मिलेगा कुली कतांदी। थोड़ी इंग्लिश कमज़ोर है हिंदी के साथ। तो आप यहाँ से उतर के जाएंगे, एक ट्रैक होगा, उतरने का ट्रैक है, इस पर रिवर्स ट्रैक करके देखेंगे हम कैसा होता है। हमेशा चढ़ते हैं फिर उतरते हैं, इस बार हम उतरेंगे फिर चढ़ेंगे। तो यहाँ से आप जाएंगे, कुछ सुख पाना है तो कष्ट तो उठाना पड़ता है दोस्तों। तो चलो थाईलैंड होके आते हैं, कैसा रहता है थाईलैंड, क्या होगा मेरे थाईलैंड में। मिनी थाईलैंड जिब्बी मेन सेंटर से लगभग 1 से 2 किलोमीटर दूर है। मैं ऐसे खड़ा हूँ, आप सोच रहे हो उस स्टाइल में भी खड़ा है। खुशी है थाईलैंड जाने की। आज पहली बार ऐसा होगा कि कोई रेस्टोरेंट में अपना लंच लेके आया है। लेट्स गो। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। आराम से उतरना भाइयों, और जो साथ में है उसके, ये थोड़ा स्लिपरी हो सकता है क्योंकि अभी बारिश का मौसम नहीं है तो फिलहाल थोड़ा ड्राई है, वरना ये वेट होता है, ये जगह थोड़ा वेट रहता है। ये थाईलैंड जाने की खुशी में शब्द भी थोड़े ऐसे निकल रहे हैं उसी से संबंधित, तो गलत मत समझना मेरे को दोस्तों। हम पहुंच रहे हैं, हम पहुंचने वाले हैं मिनी थाईलैंड। लोकेश को तो पता नहीं एकदम एक्सट्रीम खुशी है, जैसे कि उसको जाते ही लिटा के मसाज देने लगेंगे। मैंकी को बहुत डर लग रहा है वहां से आने में, चिल्ला चिल्ला के उतर रही है, छोटी बच्ची है क्या? तो अगर आप यहाँ पे अपनी कार से नहीं आए, हम तो कार से आ रहे हैं, तो यहाँ पे लोकल कैब्स और वो सब चलती है, आप उधर से लोकल टैक्सी लोकल कैब करके यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट सेवा है ना बस की वो इतनी ज़्यादा नहीं है। तो आसपास जाने के लिए आपको चाहे जलोरी पास हो चाहे वाटरफॉल हो चाहे ये है ये, तो चलो आप आसपास सेंटर में अगर स्टे कर रहे हैं तो पैदल आ सकते हैं थोड़ा चल के, पर जाने के लिए तो आपको एक जो बस बोल रही हूँ मैं, क्या बोलते हैं, जो भी जीप बुक होती है वो 2000 रुपये चार्ज करती है एक दिन के लिए। तो आप पर्सनल कैब कर सकते हैं जो 2000 रुपये चार्ज करती है फॉर 4 पीपल, लेकिन अगर आप 3 भी लोगे तो भी आपको 2000 देने पड़ेंगे। अभी चलते हैं हम मिनी थाईलैंड। थाईलैंड ऐसा नहीं था, ये कहाँ आ गए हम? एनीवेज वेलकम टू मिनी थाईलैंड। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। तो इसको क्यों थाईलैंड कहा जाता है, इसका रीजन मैंने पता करने की कोशिश करी और मुझे पता चला इसका नाम मिनी थाईलैंड इसलिए रखा गया ताकि लोग अट्रैक्ट हों यहाँ आए।
तो कहने का मतलब ये है, सिंपल भाषा में बोलूं, डिसअपॉइंटेड होते हुए कुछ अनसीन प्लेसेस को अनसीन ही रहने देना चाहिए। मिनी थाईलैंड के लालच में कहीं ना आए आप, यहीं रहें, घर रहें। पता चला के गलत लेके मैं पता निकला, पता चल गया। अरे आज ही पार करना है। मरा 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 मरा। A few moments later. मिनी थाईलैंड में मजे करने आया था, enjoy. स्ट्रगल कर रहा हूँ। मरा 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 मरा। थाईलैंड के सपने देखकर आया था, मिल गए मसाज। ला तेरी मसाज करे। मसाज के चक्कर में आया था, एडवेंचर मिल गया, मरते मरते बचे हैं। यही है थाईलैंड भाई, अपने नसीब में इतना पैसा में इतना ही मिलेगा। डिसअपॉइंटमेंट देख रहे हो लड़के की। इतनी डिसअपॉइंटमेंट है, अपनी जगह से हिल नहीं रहा। जो हुआ सो हुआ, थाईलैंड की उम्मीद करके यहाँ पे आया तो डिसअपॉइंटमेंट मिली। बट यदि मैं इंडिया के हिसाब से आता कि यार आज मेरे को पहाड़ों पे जाना है, चारों तरफ पानी की आवाज़ हो, सुंदरता हो और शांति हो, तो 10 में से 10 नंबर दूंगा इस जगह को, मिनी थाईलैंड को। चारों तरफ पानी की आवाज़ आ रही है, और पानी है इसलिए आ रही है ऑब्वियसली, यार कैसा सवाल है। और इतनी शांति है यहाँ पे ना, गुड प्लेस टू विजिट। यदि आप जब भी आ रहे हो तो इस जगह आओ, एक दो घंटे बैठो, चिल मारो, कुछ खाओ। वहाँ पे स्टॉल्स हैं, कुछ मैगी वगैरह खा सकते हो आप, क्योंकि हम अभी खा के आए, थोड़ी देर पहले तो हम खा नहीं रहे, चाय पी सकते हैं, पी लेंगे एक बार। बट अच्छी जगह है, आराम से कसौल की फीलिंग ले सकते हो जिब्बी में। तो जिब्बी में ये जगह एक ऐसी जगह जहाँ मैं बोलूँगा पाओ। वाटरफॉल एक बार ना भी जाओ चलेगा, सॉरी वाटरफॉल, बट इस जगह आप आगे चिल मार सकते हो। थाईलैंड समझ के बताना बस, तो इन्जॉय कर पाओगे, वरना तो टूटे मक्का। हमारा पहला दिन जीबी में ख़त्म हो गया, मिनी थाईलैंड में। यदि आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा और ये जगह अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमें बताएं, और जो हमें बताएगा उसको मौका मिलेगा हमारा चैनल सब्सक्राइब करने का। तो प्लीज़ इस हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मंजू से भी बुलवा देते, बुरा मान जाती है, थाईलैंड में हमें बहुत परेशान करा है। तो अब क्या है, हम ये अनाउंस कर रहे हैं, हम हैं ओपन टू एनी काइंड ऑफ क्वेरी और क्वेरीज रिलेटेड टू ट्रैवल। तो अगर आप हमसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप हमें डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हमारा ईमेल आईडी भी है विच इज़ rastedari@gmail.com, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। तो स्टे सेफ, बाय बाय।